दोस्तों 6 जनवरी 2004 को जब दुबई की प्रॉपर्टी डेवलपर एमआर बुर्ज खलीफा का मालिक ने बुर्ज खलीफा के डिजाइन की जिम्मेदारी अमेरिका के स्किनमोर ओइंग्स एंड मेरिल नामक कंपनी को दी और इस कंपनी के आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ को बुर्ज खलीफा के डिजाइन बनाने का श्रेय दिया जाता है, जबकि बुर्ज खलीफा के निर्माण का काम साउथ कोरिया की जानी मानी कंपनी सैमसंग CNP कॉरपोरेशन को दिया गया, जो कि इससे पहले भी कई और बड़े प्रोजेक्ट्स को जैसे ताइपेई 101 पर भी काम कर चुकी थी। दोस्तों आपको बता दें कि ताइपेई 101 बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। दोस्तों सैमसंग CNP कॉरपोरेशन को यह दिया गया काम इतना बड़ा था कि बेल्जियम की बेसिक्स और UAE की एराबेटेक कंपनी के साथ मिलकर पूरा किया गया। एक मजेदार बात यह है कि जब 2004 में बुर्ज खलीफा का बेस बनाया जा रहा था, तब लोगों को पता भी नहीं था कि इसका पूरा डिजाइन कैसा होगा, क्योंकि निर्माण का काम शुरू होने के बाद भी इसके डिजाइन पर काम किया जा रहा था। काम शुरू होने के 3 साल के अंदर ही इसने रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया।